कुरुक्षेत्र तो युद्ध का मैदान है भाई। हाँ जी हाँ, युद्ध तो वहीं है और क्या होगा, कुरुक्षेत्र और क्या कहेंगे। अरे सरकार भाई हमारी बात मान ले, ये पर्चे दर्ज करने से कोई आंदोलन दबता है? कुरुक्षेत्र को अपना घर रहा है भाई, टिकेट साहब के टाइम से उससे भी पहले से और आज भी, और धर्मशाला है ये, इसमें सभी अपनी मीटिंग करते हैं, अपनी सलाह करेंगे। अब यहाँ पर्चे बहुत दर्ज कर रहे, अम्बाला में कर दिए, यहाँ कर दिए, गिरफ्तार कर रहे, क्या कहते हैं क्या खट्टर के साथ में वो होगी? हमारे भारत सरकार से हमारा इशू है अभी पहले, ये क्यों काम का बीच में पंगेबाजी कर रहा ना? वहाँ तो ये कह रहे थे कि सभी इकट्ठा ही काम करेंगे, सभी इकट्ठे ही करेंगे काम, ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको? मतलब लड़ाई लड़ने वाला ही होता है, वहाँ छोड़ देंगे बीच में, लड़ाई कौन लड़ेगा? हाँ लड़ाई सभी इकट्ठी भाई, हम तो फसल बोने वाले किसान हैं, और फसल जब जब पक जा ओड़ा पड़ जा तो उसको किसको दे? अपनी अगली फसल की फिर तैयारी करें। सरकार से वार्ता नहीं हुई तो हम क्या आखिर आगे फिर वार्ता हो जाएगी? कोई वार्ता बंद हो जाएगी अभी से? प्रयास की कहाँ जरूरत है, किसान अपने आप आ जाएगा जब जरूरत होगी। फिर एक बार छेड़खानी जिक्र कर दिखाओ, वही पाओगा सब देखा। और रहने दो, वहाँ चुनाव में तो सबको लड़ना चाहे अपने लड़े, हमारा चुनाव से क्या मतलब है? बता देंगे गाइडेंस, उनका पता सब जो बंगाल में करा, पता उन्हें क्या करना। ये सब किसान होशियार हैं, सब जानता है किसान को क्या करना, सब जानता है। उनके तो हरियाणा के खिलाड़ी को मिलने नहीं दे रहे किसी से, उनको लेके ना उनके परिवार वाला अपने घर पे ना हुए हैं, उनके रिश्तेदार बैठे नहीं है ही नहीं, अपने घरों पे ही नहीं, सब दिल्ली बुला लिए। कोशिश की मिलने के लिए? हाँ मिलने की कोशिश करी थी ना, जाने का वही प्रोग्राम था, लेकिन अपने घरों पे ना खिलाड़ी है ना उनका परिवार है। खिलाड़ी वो देश के हैं, खिलाड़ी किसी ना एक समाज के हैं, ना एक क्षेत्र के हैं, ना एक गांव के हैं, ना एक जाति के हैं, वे देश के हैं, देश की धरोहर है वो।